नमस्कार मैं मानसी भनोज स्वागत करती हूं आपका करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 655 में आज की तारीख़ है 13 मई 2020 हमारे दो चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटराइएस अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे जितने भी कोर्सेज़ और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए जितनी भी प्रिपरेशन का मटीरियल आता है वो आप तक पहुँचता रहें साथ ही साथ हमारी वेबसाइट एस एस सी सी जी एल पिनाकल डॉट कॉम एंड कॉम जरूर विजिट कीजिएगा चलिए बात करते हैं प्रीवियस क्विज़ के की। पहला प्रश्न आपके सामने जो आपको पूछा गया था कोविड संकट के बीच हिंद महासागर राष्ट्रों की सहायता के लिए भारत द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया है तो वो मिशन का नाम है मिशन सागर अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कोविड 19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी एंटीबॉडी परीक्षण कोविड कवच अलीसा किसने विकसित किया है तो ये विकसित किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सो ये इसका सही उत्तर है चलिए अब बात एशिया ओशनिया श्रेणी में भारत का पहला फेड कप हार्ट अवार्ड किसने जीता है तो इसका सही उत्तर है सानिया मिर्जा तो सी इसका सही आंसर है भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने इस साल के तीन क्षेत्रीय समूह के प्रत्याशियों के लिए डाले गए कुल 16000 से ज्यादा मतों में से 10000 से अधिक मत प्राप्त करने के बाद एशिया ओशनिया श्रेणी में देश का पहला फेड कप हार्ट अवार्ड हासिल किया है फेड कप हार्ट अवार्ड विजेताओं को प्रशंसकों द्वारा ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम से निर्धारित किया गया जो एक मई से शुरू होने वाले एक सप्ताह के लिए चला गया था प्रत्येक श्रेणी के विजेताओं को 2000 डॉलर का पुरस्कार राशि सम्मानित रूप से दिया गया 2016 के बाद पहली बार फेड कप एक्शन में सानिया मिर्जा की वापसी भारत ने फेड कप प्ले ऑफ में अपनी जगह बुक की फेड कप हार्ट अवॉर्ड अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी आई की एक पहल है जिसे 2009 में उन फेड कप खिलाड़ियों को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया जो कि अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं बात करते हैं अगले प्रश्न की भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष पद पर कार्यरत होने वाली किसने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है तो इसका सही उत्तर है दीपा मलिक तो तो डी इसका सही आंसर है तो हाल ही में जानी मानी पैरा एथलीट दीपा मलिक ने पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में अपना पद संभालने के लिए रिटायरमेंट की घोषणा की राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुसार एक सक्रिय एथलीट किसी भी महासंघ में आधिकारिक पद नहीं रख सकता और इस नियम का हवाला देते हुए मलिक ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की दीपा मलिक देश में पैरा खेलों की ध्वजवाहक रही हैं और उन्हें पिछले उनतीस अगस्त को राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है इसी के साथ वह सम्मान पाने वाली पहली ऐसी भारतीय महिला पैरा एथलेटिक बन गई वह पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं और इन इसके अलावा 58 राष्ट्रीय और 23 जो हैं अंतरराष्ट्रीय पदक उनके नाम दर्ज हैं मलिक जो है पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं अब यहाँ रिवीजन के लिए आपको बता दूँ सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की आपको बताना है ये किस देश की पूर्व क्रिकेट कप्तान है तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान तो ये पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रह चुके हैं यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं दीपा मलिक चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर तीन की हाल ही में कौन सी ऐसी स्कीम ने अपने जो है कंप्लीशन के लिए पाँच साल ऑफिस इम्प्लीमेंटेशन पूरी करी है तो पांच साल किस स्कीम के पूरे हुए हैं वो आपको बताना है वो है अटल पेंशन योजना नौ मई 2015 में ये योजना जो है शुरू की गई थी इसको अब पांच साल पूरे हो चुके हैं नौ मई 2020 तक इस योजना के तहत कुल नामांकन जो है वो दो करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है इस योजना को 18 से 40 वर्ष की आयु के किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा सदस्यता ली जा सकती है नामांकन होने पर यह योजना साठ वर्ष की आयु के बाद जो है हजार रुपए से लेकर पांच हजार तक रुपए की गारंटेड पेंशन प्रदान करती है इस योजना में पीएम मोदी ने कोलकाता से इसको लॉन्च किया था इस योजना वित्त मंत्रालय के तहत संचालित पीएफ एफ आर डी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जो है ये कार्यवंतित है चलिए यहां पर आप देख सकते हैं अटल पेंशन योजना गारंटीड पेंशन ऑफ थाउजेंड रुपीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगले प्रश्न की बात करते हैं नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो नियुक्त किया गया है इंदु शेखर चतुर्वेदी को ठीक है यहाँ पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं इंदु शेखर चतुर्वेदी ने नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि में सचिव का पदभार संभाल लिया है उन्होंने आनंद कुमार का स्थान लिया कुमार संस्कृति मंत्रालय में सचिव बनाए गए हैं एम एन आर ई सचिव बनने से पहले चतुर्वेदी झारखंड सरकार में जलवायु परिवर्तन विभाग पर्यावरण और वन मंत्रालय में अद, अंतरिक्त मुख्य सचिव और अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त थे झारखंड सरकार और केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर भी काम कर चुके हैं रिवीजन के लिए यहाँ पे आपको बता दूं खेल और युवा मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो उसका सही उत्तर है रवि मित्तल चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की किस राज्य में हाल ही में एफ आई आर आपके द्वारा योजना शुरू की गई है तो ये योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन लागू है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नयोत्तम मिश्रा डीजीपी विवेक जौहरी ने एफ आई आर आपके द्वार योजना लॉन्च की इस योजना के तहत नागरिक घर बैठे शिकायत दर्ज करा सकते हैं इस योजना को एक पायलट परियोजना के रूप में तेईस पुलिस स्टेशनों में शुरू किया गया है अब यहां पे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए बता दू मध्य प्रदेश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में तीस दिनों तक सेवा करने वाले सभी कर्मियों को कर्मवीर पदक से भी सम्मानित किया जाएगा मध्य प्रदेश में शहीद और अन्य मृतक पुलिस कर्मियों के लिए परिवार वालों को उनकी समस्याओं को हेल्प डेस्क के माध्यम से हल किया जाएगा भोपाल में पुलिस मुख्यालय में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है रिवीजन के लिए आपको यहाँ पे याद दिला दू हाल ही में किस राज्य ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है तो वो भी मध्य प्रदेश में की गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्कीम एफ आपके द्वार लॉन्च करते हुए लोकेशन देख लेते हैं डैम्स और रिवर जो है गांधी सागर डैम चंबल रिवर के ऊपर इंदिरा सागर डैम नर्मदा रिवर के ऊपर नेशनल पार्क कान्हा, टाइगर रिजर्व पन्ना नेशनल पार्क पेंच नेशनल पार्क बाधवगढ़ नेशनल पार्क कैपिटल यहाँ की भोपाल गवर्नर है लालजी टंडन सीएम है शिवराज सिंह चौहान वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है सांची ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स अगले प्रश्न की बात करते हैं किस सिटी के द्वारा प्राण वायु प्रोग्राम जो है रेस्पिरेटरी हेल्थ की अवेयरनेस के लिए क्रिएट किया गया है जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया है तो बेंगलुरु द्वारा किया गया है बेंगलुरु नगर निगम ने बेंगलुरु वासियों के लिए रेस्पिरेटरी हेल्थ की जांच करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है इस पहल का उद्देश्य लोगों में ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने में उनकी मदद करना है इससे उनकी बीमारियों के घातक होने से पहले ही उन्हें उनके स्वास्थ्य के बारे में सचेत करना होगा विशेष रूप से कोविड नाइन्टीन में जितनी भी हाइपोक्सिया उत्को में ऑक्सीजन की कमी का कारण बनता है उसको जो है कंट्रोल करना है अब यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं डैम्स की बात करें कृष्णा राजा सागर डैम कावेरी रिवर पे तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा रिवर पे अलमट्टी डैम कृष्णा रिवर पे नेशनल पार्क की बात करें नगरहोल नेशनल पार्क आंची नेशनल पार्क बनेर घाटा नेशनल पार्क कैपिटल ने है बेंगलुरु गवर्नर है वाजू भाई वाला सीएम है बी एस येडियुरप्पा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं हम्पी मोन्यूमेंट्स एंड पडक्कल मोन्यूमेंट्स अगले प्रश्न की बात करते हैं स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य के शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन के सहयोग से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की हैं तो ये शुरू की गई हैं झारखंड के द्वारा झारखंड में राज्य शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन के साथ मिलकर राज्य के छात्रों और को स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन कक्षाएं और शैक्षणिक का कार्यक्रम शुरू किए हैं प्रत्येक कक्षा के लिए आवंटित विशेष स्लॉट के साथ कक्षा एक से लेकर बारहवीं तक के छात्रों के लिए विशेष शैक्षणिक व्याख्यान डिजाइन किया गया है कार्यक्रम क्षेत्रीय डीडी चैनल पर प्रसारित किया जाना है विशेष बार कक्षाएं विशेष रूप से यूनिसेफ और राज्य शिक्षा विभाग के शिक्षकों की सहायता से तैयार की गई है छात्रों को उनकी सुविधा के अनुसार दूरदर्शन पर क्षेत्रीय प्रसारण डीडी झारखंड के साथ डीजी साथ यानी कि YouTube के साथ जो है इस चैनल पर भी सभी कक्षाएं ऑनलाइन उपलब्ध जो है कराई जाएंगी अब रिवीजन के लिए आपको यहाँ पे बता दूं किस राज्य ने नागरिकों को मुफ्त भोजन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री दीदी रसोई योजना शुरू की है तो वो झारखंड के द्वारा ही शुरू की गई है यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं झारखंड की डैम्स जो है पंचेत डैम दामोदर रिवर पर तेनुघाट डैम जो है दामोदर रिवर पर कैपिटल है रांची, द्रौपदी मुर्मू चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन अगले प्रश्न की बात करते हैं प्रश्न नंबर आठ हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य विधान परिषद चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया गया है तो ये किया गया है महाराष्ट्र में यहाँ पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस वक्त जो है विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 28 मई तक विधानमंडल के किसी एक सदस्य सदन का सदस्य बनना बेहद जरूरी है विधान परिषद की 9 सीट के लिए 21 मई को चुनाव होने वाले हैं उन्होंने राज्य विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है शिवसेना रा कांग्रेस के सत्ता रोड महाराष्ट्र विकास आघाडी गठबंधन ने विधान परिषद चुनाव में पांच उम्मीदवारों का उतारा है उन्होंने 28 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के सीएम के रूप में शपथ ली थी क्योंकि उन्होंने राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्यों के बहुमत का समर्थन अर्जित किया संविधान का अनुच्छेद जो है 164, 164 के तहत किसी व्यक्ति को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के बहुमत का समर्थन है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है परंतु इस मामले में यदि व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उसे छह महीने के भीतर चुनाव जीतना होता है चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की प्रश्न नंबर नौ किस देश का नौ सैनिक पोत को नार्क एक युद्धाभ्यास में भाग लेते समय अपने ही देश के मिसाइल हमले का शिकार हो गया तो उसका सही उत्तर है ईरान ओमान की खाड़ी में चल रहे युद्धाभ्यास में भाग लेते समय ईरान का एक नौसैनिक पोत अपने ही देश के मिसाइल हमले का शिकार हो गया ईरानी सेना का यह पोत दूसरे जहाजों के लिए लक्ष्यों को तैनात कर रहा था इसी दौरान इस मिसाइल के निशाने पर आ गया सरकारी टीवी के मुताबिक यह घटना रविवार को ओमान की खाड़ी में तेहरान के दक्षिण पूर्व में करीब जो है 1270 किलोमीटर पर जो है जसवंत की बंदरगाह के पास हुई 2018 में कुनकारक की मरम्मत करके इसे समुद्री और एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करने के लिए सक्षम बनाया गया था 47 मीटर लंबे सपोर्ट का निर्माण हॉलैंड द्वारा किया गया था और इसे जो है 1988 में ईरान की नौसेना में शामिल किया गया था अब रिवीजन के लिए यहां पे आपको बता दूं किस देश ने अपनी मुद्रा को बदलकर تومان तो करने का फैसला किया है तो वो भी ईरान के द्वारा किया गया है यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं कैपिटल देख सकते हैं तेहरान है ईरान की करेंसी जो इस्तेमाल में लाई जाती है दैट इज रियाल इसी को बदलने की बात कही जा रही है अगले प्रश्न की बात करते हैं डीआरडीओ आर डी ओ स्वचालित संपर्क रहित अल्ट्रा वॉलेट सैनिटेशन कैबिनेट ध्रुव जो है विकसित किया है आपको इसका पूरा नाम बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है तो इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वॉलेट सैनिटाइजर तो बी जो है इसका सही आंसर है यहां पे आप तस्वीर में देख सकते हैं डीआरडीओ की एक प्रीमियम लैब आर सी आई ने एक ऑटोमेटेड कॉन्टेक्ट यूवीसी सैनिटाइजिंग कैबिनेट डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वॉलेट सैनिटाइजर तैयार किया है इस कैबिनेट के जरिए मोबाइल फोन आईपैड लैपटॉप के अलावा दूसरी कई चीजों को सैनिटाइज किया जा सकता है ड्रूव्स जो है सैनिटाइजिंग कैबिनेट को ऑपरेट करने के लिए इसे छूने की किसी प्रकार की कोई भी जरूरत नहीं है इसे सैनिटाइजिंग कैबिनेट में जो है प्रॉक्सिमिटी सेंटर स्विच दिया गया है जिससे क्या होता है कि जो ड्रॉर ओपनिंग और क्लोजिंग मैकेनिज्म पर काम करता है इससे क्या है कि इसमें जब प्रॉक्सिमिटी सेंटर स्विच के कारण ड्रूव्स को ऑटोमेटिक और कॉन्टेक्ट बनाना संभव हो पाए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कैबिनेट के अंदर रखी किसी भी चीज को यू का थ्री डिग्री का एक्सपोजर इसके अंदर दिया जाता है अब चलिए बात करते हैं आपकी समरी की फेड कप हार्ट अवार्ड इन एशिया ओशनिया कैटेगरी सानिया मिर्जा को दिया जा रहा है

स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट और दूरदर्शन के साथ मिलकर फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक के लिए ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो यूनिसेफ के साथ मिलकर झारखंड में शुरू की जा रही हैं सी जो कि नॉमिनेशन स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल पोल्स के लिए अभी उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र के लिए आपको ध्यान में रखना है नेवल वेसल कोनार्क में जिसमें मिसाइल अटैक खुद ही जो है उन्हीं के बंदों पर हो गए उसमें उन्नीस जो है मारे भी गए हैं ये कहाँ पर हुआ है ये ईरान में हुआ है डीआरडीओ अल्ट्रा वॉलेट सैनिटाइजेशन कैबिनेट की फुल फॉर्म आपको हार्ट अवार्ड किसने जीता है अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य विधान परिषद चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है ठीक है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेगा Thank you so very much. Have a nice day. Stay safe. Stay home.